राइडर्स हैदराबाद के खिलाफ दिल्ली रेड डेविल्स को एक बार फिर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में 187 रनों के स्कोर को भी दिल्ली डिफेंड नहीं कर पाई। आईपीएल सीजन 11 के 42वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली रेड डेविल्स को 9 विकेट से मात देकर उनके प्लेऑफ में पहुंचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी है। वैसे इस मैच में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रनों का स्कोर खड़ा किया था। ऋषभ पंत ने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक लगाकर टीम का स्कोर 187 तक पहुंचाने में मदद की। उन्होंने केवल 63 बॉल में 128 रनों की नाबाद पारी खेली। इस पारी में उन्होंने कुल 7 छक्के और 15 चौके जड़े। इस हार के बाद ऋषभ पंत काफी निराश दिखे। उन्होंने मैच के बाद बयान देते हुए बताया कि किस वजह से उन्हें मैच गंवाना पड़ा। पंत ने कहा कि हमने अच्छा स्कोर किया था और जब हम उसका बचाव करने उतरे तो दूसरे ओवर में ही एलेक्स हेल्स को आउट कर अच्छी शुरुआत की, लेकिन बाद में धवन और विलियमसन ने साथ मिलकर हमारी उम्मीदों पर पारी फेर दिया। वहीं श्रेयस अय्यर को रन आउट करवाने पर पंत ने कहा कि खेल में कभी कभी ऐसी गलतियां होती रहती हैं। अय्यर के रन आउट होने के बाद मुझ पर जिम्मेदारी थी कि स्कोर आगे बढ़ाया जाए। पंत ने कहा कि यही देख पहले मैंने पिच और घूमती गेंदों को समझा। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ टीम के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी लेना चाहता था, जो मैंने बखूबी ली और उसे निभाया।